I'm going to take you down the memory lane of some of the important games. A bit disappointed because this country hasn't seen the potential which you had with the bat, especially in white ball cricket. I remember, I don't know where I said it a long time back, that you should be playing batting for India at number 5 or 6, or probably even at number 4. But yes, that is one thing which probably this country has missed out. They've seen the potential of you with the ball, what you've done in test cricket, but probably haven't seen the potential you had with the bat. Maybe bowler nahi hote to shayad Virat aur Rohit ke level par hoti aaj. Kya pata Sachin sir ka record bhi danger mein hota. I mean seriously, Dhoni ka record to tahi kar liya hai. Even Gautam Gambhir ne bhi kaha tha ki cricket ki duniya ne Ashwin ka full potential nahi dekha hai. So thanks to Ashwin sir ki century jinhone aaj mujhe motivate kiya to make this video. Aaj hum Ashwin sir ki sabhi centuries dekhne wale hai one by one. Shuruaat karenge 2011 se aur khatam karenge aaj, yani ki 2024 में. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, यू कैन मोटिवेट मी बाय सब्सक्राइबिंग, मेकिंग यूट्यूब एल्गोरिथम हैप्पी एंड शेयरिंग दिस विद योर व्हाट्सएप ग्रुप. आई एम गोइंग टू टेक यू डाउन द मेमोरी लेन ऑफ सम ऑफ द इंपॉर्टेंट गेम्स. द गेम दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे इज नॉट ओनली एन इंपॉर्टेंट गेम इन माय करियर बट आल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गेम इन द लैंडस्केप ऑफ इंडियन क्रिकेट. नवंबर 2011 वेस्ट इंडीज इंडिया आए थे टूर के लिए और इसी सीरीज में हमने देखा टेस्ट डेब्यू ऑफ रविचंद्रन अश्विन. अपने पहले ही मैच में प्लेयर ऑफ द मैच अपने नाम कर लिया और ये सिर्फ तो शुरुआत थी. पहले दो टेस्ट मैच इंडिया जीत चुकी थी लेकिन तीसरा टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट था. वेस्ट इंडीज को अपनी इज्जत बचानी थी. टॉस जीतकर वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग का फैसला किया और स्कोर बोर्ड पे 590 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया. क्रैग ब्रैडवेड, डैरेन ब्रावो और कैरम पावेल ने इंडिया के बॉलर्स को काफी परेशान किया. इंडिया के बॉलर्स इंक्लूडिंग अश्विन ने बहुत हार्डवर्क किया लेकिन किसी को भी ब्रेक थ्रू आसानी से मिल नहीं रहे थे. लेकिन जब इंडिया की बैटिंग शुरू हुई, गौतम गंभीर, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली ने इनिंग को बिल्ड करने की कोशिश की लेकिन इंडिया अभी भी 250 रन पीछे थी, 6 विकेट्स डाउन थे, वेस्ट इंडीज के पास लीड थी और एंट्री होती है रविचंद्रन अश्विन की जो अपनी सिर्फ तीसरी टेस्ट मैच खेल रहे थे. आज प्रेशर बहुत था और अगर इंडिया जल्दी आउट होती तो शायद फॉलो ऑन भी करना पड़ता लेकिन अश्विन ने इनिंग को संभाला. विराट कोहली के साथ उन्होंने पार्टनरशिप बिल्ड की और जब विराट आउट हुए तो अश्विन ने लीड करना शुरू किया. टेल एंडर के साथ मिलकर वेस्ट इंडीज की लीड को कम किया. 118 बॉल्स में 15 बाउंड्रीज और 2 छक्के के साथ अश्विन ने अपने करियर की पहली सेंचुरी रजिस्टर की. ये उनकी सिर्फ तीसरी टेस्ट थी लेकिन उन्होंने प्रूव कर दिया था कि इंडिया को एक जबरदस्त ऑलराउंडर मिल गया है. अश्विन की इनिंग की वजह से मैच ड्रॉ हो गया और इंडिया फॉलो ऑन से बच गई. और किसको पता था ये नया ऑलराउंडर आगे जाके एक बहुत बड़ा यूट्यूबर बनेगा. आई जस्ट किडिंग. ओके, लेट्स सी सेकंड सेंचुरी नाउ. लेट्स गेट इनटू इट. I mean, for starters, whenever I've started a tour or whenever I've started a series, my initial intention is to get a 5-wicket haul because like a batsman wants to go out there to get 100, my intention is straight away to get a 5-wicket haul. And once I capitalize, once I get that momentum, I try and capitalize on it through the tournament and I don't turn back. Once I pick up a couple of wickets in a spell, I'm looking always to hit that 5-wicket mark and it's a sort of a psychological thing. I mean, it's hunger for me, nothing else. नवंबर 2013 दो साल बाद एक बार फिर वेस्ट इंडीज इंडिया की टूर पर आई थी. ये सीरीज सचिन तेंदुलकर सर की आखिरी सीरीज थी लेकिन हिटमैन की पहली टेस्ट सीरीज. वेस्ट इंडीज ने टॉस जीता और बैटिंग चूज. उन्होंने अपने पहले इनिंग में 234 रन बनाए. फिर बैटिंग आती है टीम इंडिया की. शिखर धवन, मुरली विजय, चेतेश्वर पुजारा, सचिन सर और विराट बहुत जल्दी आउट हो गए. 83 पर 5 विकेट डाउन थे. हिटमैन और एम एस धोनी इनिंग को बिल्ड ही कर रहे थे कि धोनी आउट हो गए. 156 पर 6 विकेट्स डाउन थे. इंडिया वाज इन डीप ट्रबल. फिर बैटिंग करने आते हैं अश्विन और जो पार्टनरशिप हुई उसके बाद पूरा धागा खोल दिया था. 280 रन की विशाल पार्टनरशिप की इन दोनों बैट्समैन ने. एक तरफ हिटमैन जिन्होंने अपने डेब्यू में 177 रन किए तो दूसरी तरफ हमारे यूट्यूबर अश्विन, उन्होंने अपनी करियर की दूसरी सेंचुरी रजिस्टर की. क्या पता क्या लगाव था वेस्ट इंडीज के साथ. दूसरी सेंचुरी वो भी सेम टीम के अगेंस्ट. 210 बॉल्स में 11 बाउंड्रीज और 124 रन. अगर अश्विन रोहित के साथ नहीं देते तो शायद रोहित सेंचुरी भी नहीं कर पाते लेकिन उस दिन एक बार फिर अश्विन ने प्रूव कर दिया अगर इंडिया कोलैप्स हुई ही इज देयर. अगर ऐसे और वीडियोस देखने हो तो सब्सक्राइब करो एंड लेट्स गो टू 2016 जहां पर विराट कोहली ने डबल सेंचुरी मारी थी.
जुलाई 2016 सर विविन रिचर्ड स्टेडियम नॉर्थ साउंड। बार इंडिया गई थी वेस्ट इंडीज और यूएसए की टूर पर। इंडिया ने टॉस जीतकर बैटिंग चूज की। पहले विकेट बहुत जल्दी गिर गई थी, फिर धवन और पुजारा ने इनिंग को बिल्ड करने की ट्राई की, लेकिन सैडली पुजारा भी आउट हो गए और फिर एंट्री होती है किंग कोहली की। विराट कुछ अलग ही मूड में थे उस दिन, लेकिन इंडिया के चार विकेट डाउन थे 236 पर। अभी टेली एक्सपोज ही होने वाला था और एंट्री होती है वेस्ट इंडीज के बिगेस्ट नाइटमेयर यानी रविचंद्रन अश्विन की। फिलहाल तो इंडिया अच्छी पोजीशन में थी, लेकिन सेफ जोन बहुत दूर था। इधर से एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप चाहिए थी टीम इंडिया के लिए। विराट और अश्विन लग जाते हैं इनिंग को बिल्ड करने में। विराट 283 बॉल्स में अपनी डबल सेंचुरी कंप्लीट कर लेते हैं, तो दूसरी साइड अश्विन स्टेडी एज अ रॉक जैसा रूप पकड़ लेते हैं और विकेट गिरने ही नहीं देते दूसरी साइड से। दोनों मिलकर 168 रन की पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं। विराट के जाने के बाद एक बार फिर अश्विन सपोर्टिंग रोल से ट्रांजिस्ट होते हैं लीड रोल में। अपने करियर की तीसरी सेंचुरी जड़ दी उस इनिंग में और एक बार फिर से प्रूव किया why he is irreplaceable in that unit. 253 balls, 12 boundaries और 113 runs. साहा और अमित शाह के साथ मिलकर छोटी छोटी पार्टनरशिप करके इंडिया का स्कोर 566 तक लेके गए। वेस्ट इंडीज 243 पर ऑल आउट हो जाती है एंड दे गेट फॉलो ऑन। सेकेंड इनिंग में अश्विन 7 विकेट लेकर इंडिया को इनिंग विन दे देते हैं। इमेजिन अगर अश्विन विराट का साथ नहीं देते तो विराट के 200 ना होते, इंडिया 500 क्रॉस नहीं करती और शायद ये मैच हार जाती। आई होप पीपल अप्रिशिएट दिस स्मॉल स्मॉल कंट्रीब्यूशन लाइक दे अप्रिशिएट अदर थिंग्स आल्सो। लेकिन इसी सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच में एक और सेंचुरी आई थी अश्विन की, लेकिन इस बार इंडिया की इनिंग कोलैप्स हो चुकी थी। लेट्स गेट इनटू इट। अश्विन ने 253 गेंदों पर 113 रनों की पारी खेली। ये उनके टेस्ट करियर का तीसरा शतक है। साल 2011 में मुंबई टेस्ट में 103 रन, साल 2013 में कोलकाता टेस्ट में 124 रन और अब एंटीगा में 113 रनों की पारी। To thank Anil bhai and Virat for having the confidence in me to be pushed at number 6. There were times in the past where I have batted really well and haven't really got the promotion, and this really says a whole lot of things about me. Virat called me in the morning and said that you'll be batting at 6 ahead of Saha, which was a big boost to my batting confidence. अगस्त 2016 वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चूज की और इंडिया के टॉप ऑर्डर को डिसमेंटल कर दिया। विराट धवन और रोहित सिंगल डिजिट पर वापस चले गए। 87 पर 4 विकेट डाउन थे और अभी एक इनिंग सेवियर की जरूरत थी और एंट्री होती है वेस्ट इंडीज के बिगेस्ट नाइटमेयर यानी रविचंद्रन अश्विन की। 126 तक आधी टीम पवेलियन में थी। इंडिया वॉज इन डीप ट्रबल, लेकिन फिर रिद्धिमान शाह के साथ मिलकर अश्विन ने 213 रन की पार्टनरशिप करी, जिसमें अश्विन ने 297 बॉल्स में 6 बाउंड्रीज और एक छक्का मारकर 118 रन किए। ये इनिंग प्रूव करती है व्हाई यू नीड अ स्ट्रॉन्ग मिडिल ऑर्डर एंड अ टेल एंड सपोर्ट। इंडिया ये मैच 237 रन से जीत जाती है और रविचंद्रन अश्विन एक बार फिर मैन ऑफ द मैच अपने नाम कर लेते हैं। सही में वेस्ट इंडीज के लिए नाइटमेयर है अश्विन। जब भी मेहनत करके टॉप ऑर्डर को फंसा लेते हैं वेस्ट इंडीज, तभी ये अश्विन नाम का नाइटमेयर आ जाता है और इनिंग को फिर से बिल्ड करके इंडिया को जीत दिला देता है। अश्विन लाजवाब प्रदर्शन, 5 विकेट लिए, हर दूसरे मैच में लगभग 5 विकेट ले रहे हैं। 18 बार 5 विकेट लेने का एक पारी में कारनामा कर चुके हैं और कहते क्या है, कुंबले की तो याद दिला ही रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं टीम का गेंदबाजी का विराट कोहली बनना चाहता हूं। मैं हर मैच में जी जान लड़ाना चाहता हूं, मैं हिंदुस्तान को जीत दिलाना चाहता हूं, मैं विराट बनना चाहता हूं। फेब 2021 टीम इंग्लैंड इंडिया आई थी टूर के लिए। 4 मैच की टेस्ट सीरीज थी, 2 चेन्नई में और 2 अहमदाबाद में। पहला मैच 227 रन से जीतकर इंग्लैंड ने दिखा दिया वो पूरी तैयारी के साथ आए हैं, वो डरने वाले नहीं है बल्कि सभी चैलेंजेस के लिए रेडी है। टॉस जीतकर टीम इंडिया बैटिंग चूज करती है, लेकिन जब बैटिंग को आते हैं तब अपना टॉप ऑर्डर ही कोलैप्स कर देते हैं। लेकिन अभी भी हिटमैन खड़े थे क्रीज पर। हिटमैन 161 रन ऐड करते हैं और इंडिया को टोटल पहुंचा देते हैं 329 तक, विच इज अ फाइटिंग टोटल राइट। अश्विन 5 विकेट अपने नाम करते हैं नेक्स्ट इनिंग में और इंग्लैंड को 134 पर ऑल आउट कर देते हैं। इंडिया के पास 195 की लीड थी, लेकिन सेकेंड इनिंग में इंडिया एक बार फिर
कोलैप्स कर दिए, 106 पर 6 विकेट डाउन थे। फिर आते हैं अश्विन, विराट अभी भी क्रीज पर खड़े थे तो नेचुरली अश्विन सपोर्टिंग रोल में ट्रांजिस्ट करते और विराट के साथ मिलकर 96 रन की पार्टनरशिप करते है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरिंग द सिचुएशन। और दूसरी साइड वो अपनी 5वीं सेंचुरी भी रजिस्टर करते है, 148 बॉल्स में 14 बाउंड्रीज और एक छक्के के साथ 106 रन। फिर कुलदीप यादव, ईशांत शर्मा और शमी के साथ मिनी मिनी पार्टनरशिप करके इंडिया को टोटल 286 तक लेके जाते हैं। अभी इधर से इंग्लैंड को टारगेट है 482 रन्स का। अगर अश्विन नहीं चलती है तो शायद ये टोटल 300 या फिर 320 तक होता, लेकिन 400 क्रॉस नहीं करता। सेकेंड इनिंग में इंग्लैंड कोलैप्स करती है और 164 पर ऑल आउट हो जाती है। अश्विन इस इनिंग में 3 विकेट लेकर एक बार फिर मैन ऑफ द मैच अपने नाम कर लेते है। वही कहानी है, जब भी इंडिया कोलैप्स या फिर डेंजर में होती है उसी वक्त अश्विन अपना रुद्र स्वरूप लेकर आ जाते हैं और वही तो देखा आज हमने। चलो लेट्स गेट इनटू द सिक्स्थ सेंचुरी जो आज हमने आज देखी। और अब हम बात करते हैं अश्विन की लेटेस्ट सेंचुरी की जो उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ चेन्नई में बनाई। सेप्टेम्बर 2024 बांग्लादेश इंडिया आई थी टेस्ट सीरीज के लिए। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बॉलिंग चूज। कहते हैं कि 1982 के बाद किसी भी टीम ने इस ग्राउंड पे पहले बॉलिंग नहीं की, लेकिन बांग्लादेश ने ये 42 साल का रिकॉर्ड आज तोड़ दिया। क्या पता क्या सोच रही थी बांग्लादेश, लेकिन उन्होंने ये कर दिया। इंडिया की शुरुआत इतनी कुछ खास नहीं थी, टॉप ऑर्डर जल्दी पलटन चला गया और इंडिया एक बहुत मुश्किल सिचुएशन में थी। 144 पे 6 विकेट डाउन थे, लेकिन अश्विन और जडेजा ने मिलकर गेम का पूरा मोमेंटम ही बदल दिया। एक वक्त ऐसा लग रहा था 200 तक ऑल आउट हो जाएगी टीम इंडिया, 300 तो इम्पॉसिबल है, वो तो दूर ही रखो। लेकिन बांग्लादेश के बॉलर का डोमिनेंस खत्म करते हुए अश्विन ने सॉलिड 100 रन बनाए, जबकि दूसरी साइड जडेजा डे वन के एंड में 86 रन पर नॉट आउट थे और दोनों ने मिलकर 195 रन की पार्टनरशिप की। अश्विन ने यह अपना एक्सपीरियंस दिखाया जब उन्होंने न्यू बॉल का सामना किया और क्रीज पर टिके रहे, रन बनाते रहे। यू नो व्हाट, आज की ये इनिंग अश्विन की मेंटल टफनेस और गेम अवेयरनेस को शो करती है। और ये तो लेटेस्ट न्यूज है, उन्होंने एमएस धोनी के 6 सेंचुरी का रिकॉर्ड भी इक्वल कर लिया आज। कैन यू इमेजिन एन ऑलराउंडर, अ बॉलर, स्पिनर इक्वलिंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन रिकॉर्ड? यस, यानी एमएस धोनी का टोटल 6 सेंचुरी का रिकॉर्ड आज अश्विन ने इक्वल कर लिया। सो कांग्रेचुलेशंस टू अश्विन सर, होप इट गेट्स टर्न इनटू 200 टुमारो। लेकिन अगर आप 2007 से क्रिकेट देख रहे हो तो द कर्स ऑफ चोकिंग लेफ्ट वाला वीडियो देख लेना, और अगर आपको नई वीडियो देखनी हो तो राइट वाले वीडियो जरूर देखना। It's for somebody special. Yeah. Can't wait it.